हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाई यू शुड नॉट ट्रेड फ्यूचर्स, आपको फ्यूचर्स में ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, फ्यूचर्स की ट्रेडिंग है वो बड़ी लुक्रेटिव लगती है, उसमें जब प्रॉफिट होता है तो बड़ा हैंडसम होता है, लेकिन लॉस होता है वो भी अच्छा खासा होता है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको फ्यूचर्स को ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप फ्यूचर्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप समझ रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, फ्यूचर्स और ऑप्शंस है, ये एक हेजिंग टूल है, लेकिन हमने इसको एक ट्रेडिंग टूल बना दिया है। जब फ्यूचर्स और ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए गए तो उनका बेसिक इंटेंशन था हेजिंग। अगर हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, उस स्टॉक को हमने परचेज कर लिया, अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे जाता है तो हमें लॉस होगा। तो गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्टर को जो लॉस होता है, उस लॉस को काउंटर करने के लिए, उसको हेज करने के लिए कोई भी टूल नहीं था, और इसीलिए इंट्रोड्यूस किए गए फ्यूचर और ऑप्शंस। तो फ्यूचर और ऑप्शंस बेसिकली आपको हेजिंग पर्पज के लिए यूज करना चाहिए, लेकिन लोग इसको हेजिंग पर्पज से यूज ना करके ट्रेडिंग पर्पज से यूज करते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगा कि आपको फ्यूचर्स को क्यों ट्रेड नहीं करना चाहिए, और ये वीडियो आप पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको फ्यूचर्स पे और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलूंगा और फ्यूचर का पूरा कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा और उसमें छुपा एक बहुत बड़ा रिस्क आपको दिखाऊंगा। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कोई स्टॉक है ए, जिसका प्राइस है 1000 रुपीज और इसका लॉट साइज भी 1000 है। तो अब अगर आप इस स्टॉक को कैश में बाय करते हैं तो आपको टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे करनी होगी। तो आपको कितना पैसा पे करना होगा? स्टॉक का प्राइस है 1000 और इसका लॉट साइज भी 1000 है। तो अगर मैं 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाता है 1000000 रुपए। आपको 1000000 रुपीज पे करने पड़ेंगे इस स्टॉक को कैश में बाय करने के लिए। वहीं अगर आप इस स्टॉक का फ्यूचर बाय करते हो तो फ्यूचर बाय करने के लिए आपको सिर्फ 20% पे करना होता है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का। तो देखिए, यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है? 1000000 रुपीज। तो आपको 1000000 का 20% पे करना पड़ेगा, दैट मींस आपको सिर्फ 2000000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो ये स्टॉक जिसका प्राइस 1000 रुपीज है और जिसका लॉट साइज भी 1000 है, इसको अगर आप कैश में बाई करते हो तो आपको 1000000 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और अगर आप इसका एक फ्यूचर बाई करते हो तो आपको सिर्फ 2000000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो बेसिकली जब आपने फ्यूचर बाई किया तो आपने क्या किया, आपने 10 लाख की वैल्यू के स्टॉक खरीद लिए सिर्फ 2000000 रुपए में। आपने सिर्फ 20% पे किया और 100% आपने खरीद लिया। और कैश में आपने क्या किया है, जितना आपने खरीदा है उसके लिए आपने पूरा पैसा पे किया है। तो यहां तक आप समझ गए। कोई स्टॉक है ए, जिसका प्राइस है 1000, जिसका लॉट साइज है 1000, अगर आप इसको कैश में बाई करते हो तो आपको 1000000 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और अगर आप इसका फ्यूचर बाई करते हो तो आपको 2000000 रुपए पे करने पड़ेंगे। अब डिस्कस करते हैं पहला सिनेरियो। पहले सिनेरियो में मान लीजिए प्राइस जो है स्टॉक का वो 1000 रुपीज से 100 रुपीज ऊपर चला जाता है, और अब इस स्टॉक का प्राइस हो गया 1100 रुपीज। तो अब आप देखिए कैश और फ्यूचर, इन दोनों में प्रॉफिट और लॉस किस तरह से होता है। तो देखिए, जब स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज से ऊपर जाता है तो आपको कैश में कितना प्रॉफिट होगा? कैश में मतलब आपने जो कैश में बाय कर रखा है, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 1000000 रुपए के स्टॉक खरीद रखे हैं, उसमें आपको कितना प्रॉफिट होगा? तो देखिए, 1000 शेयर्स आपने खरीदे हैं और 100 रुपीज ऊपर गया प्राइस, तो 1000 × 100 अगर मैं करता हूं तो ये आता है 1000000 रुपए। मतलब अगर स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज ऊपर जाता है तो आपको कैश में, आपको अपने इन्वेस्टमेंट में 1000000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और वहीं आपको फ्यूचर्स में कितना प्रॉफिट होगा? लॉट साइज है 1000 और प्राइस ऊपर गया 100, तो 1000 × 100 कितना हो गया? 1000000 रुपए। आपको फ्यूचर्स में भी 1000000 रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको कैश में भी 1000000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, आपको फ्यूचर्स में भी 1000000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो कैश में आपको प्रॉफिट हुआ है 1000000 रुपए का, ये 1000000 रुपए पे हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने पूरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे की थी, आपने इन्वेस्टमेंट किया था 1000000 का, और उस इन्वेस्टमेंट, उस 1000000 रुपए पे आपको 1000000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन फ्यूचर्स में आपको 1000000 रुपए का प्रॉफिट सिर्फ 2000000 रुपए पे हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी, जो 1000000 टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी, उसका सिर्फ 20% आपने पे किया था, आपने सिर्फ 2000000 रुपए पे करके और एक फ्यूचर बाई कर लिया था। तो ये जो 1000000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ये आपको सिर्फ 2000000 रुपए पे हुआ है। तो कैश में आपको 1000000 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो 1000000 रुपए पे हुआ है, और फ्यूचर्स में आपको जो 1000000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो 2000000 रुपए पे हुआ है। तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? कैश में आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 10% हुआ, क्योंकि आपको 1000000 पे 1000000 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ है। और फ्यूचर्स में आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 50%। क्यों? क्योंकि आपको 1000000 का प्रॉफिट हुआ है 2000000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे। तो यहाँ पे आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आप फर्क देखिए, डिफरेंस देखिए। कैश में आपको सिर्फ 10% प्रॉफिट हुआ है, वहीं फ्यूचर्स में आपको 50% प्रॉफिट हुआ है। तो ये तो हो गया पहला सिनेरियो। अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की। मान लीजिए स्टॉक का प्राइस ऊपर ना जाके और नीचे चला जाता है, 100 रुपीज से स्टॉक का प्राइस नीचे गिर जाता है। तो अब आप देखिए, जब प्राइस 100 रुपीज से नीचे गिरता है, मतलब प्राइस 1000 पे था और अब आ गया 900 पे,
तो देखिए आपको कैश में कितना लॉस होगा, क्योंकि आपने स्टॉक को बाई कर रखा है और फ्यूचर भी आपने बाई किया है, तो जब प्राइस नीचे गिरा है तो आपको दोनों में लॉस होगा। तो कैश में आपको कितना लॉस होगा, आपने कितने शेयर खरीद रखे थे 1000 और प्राइस कितना नीचे गिरा है 100 रुपीज, तो अगर 1000 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाता है 1 लाख रुपीज। मतलब कैश में आपको 1 लाख रुपीज का लॉस होगा, जो 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं उन पे आपको 1 लाख रुपए का लॉस होगा। और वहीं फ्यूचर्स में आपको कितना लॉस होगा, फ्यूचर्स का एक लॉट आपने बाई किया है और प्राइस 100 रुपीज से नीचे आया है, तो लॉट साइज है 1000 और प्राइस कितना नीचे आया है 100, तो 1000 × 100 अगर मैं करता हूं तो ये अगेन 1 लाख आ जाता है, तो फ्यूचर्स में भी आपको 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो कैश में आपको लॉस हुआ है 1 लाख रुपए का, ये 10 लाख रुपए पे हुआ है, और फ्यूचर्स में आपको जो 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है ये 2 लाख रुपए पे हुआ है। फ्यूचर्स में आपने सिर्फ 20% मार्जिन पे किया था, आपने सिर्फ 2 लाख रुपए पे किए थे और उस 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपको 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है जब स्टॉक 100 रुपीज नीचे गिर गया है। तो अब आप देखिए आपकी कैपिटल कितनी डैमेज हुई है, आपने कितनी कैपिटल लूज कर दी है। कैश में आपने कितनी कैपिटल लूज की है, सिर्फ 10%, लेकिन फ्यूचर्स में आपने कितनी कैपिटल लूज कर दी है 50%। कैसे, कैश में आपने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए थे और 10 लाख पे आपको 1 लाख रुपीज का लॉस हुआ, तो आपने कितनी कैपिटल लूज की, 10 लाख पे 1 लाख, दैट मीन्स आपने सिर्फ 10% कैपिटल लूज की। लेकिन फ्यूचर्स में आपने 2 लाख रुपीज का मार्जिन पे करके और एक फ्यूचर को बाई कर लिया था और वहां पे आपको कितना लॉस हुआ 1 लाख रुपीज का, तो आपको 2 लाख रुपए पे 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स आपकी जो टोटल कैपिटल थी 2 लाख रुपए उस पे 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है, तो आपने अपनी 50% कैपिटल को लूज कर दिया है सिर्फ एक 10% के डाउन मूव ने। चलिए तो ये हो गया दूसरा सिनेरियो, आई होप आप ये दोनों सिनेरियो समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं तीसरे सिनेरियो की। तीसरे सिनेरियो में मान लीजिए स्टॉक का प्राइस नीचे गिर जाता है 200 रुपीज से, स्टॉक का प्राइस 20% नीचे गिर जाता है। देखिए स्टॉक्स में 20% का डाउन मूव या अप मूव कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो इजीली गिर सकता है। तो मान लीजिए ये स्टॉक जो 1000 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था, ये अब 200 रुपीज नीचे गिर गया है, ये 20% नीचे गिर गया है, तो जो स्टॉक 1000 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था वो अब 800 पे आ गया है। तो अब आप देखिए आपको कैश और फ्यूचर में किस तरह का प्रॉफिट और लॉस होता है। तो देखिए क्योंकि स्टॉक 200 रुपीज नीचे गिरा है, तो आपको कैश में कितना लॉस होगा। देखिए कैश में आपने कितने शेयर बाई कर रखे थे 1000 शेयर, और स्टॉक कितना नीचे गिरा है 200 रुपीज, तो 1000 × 200 अगर मैं करता हूं तो ये आता है 2 लाख, मतलब आपको 2 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। और वहीं फ्यूचर में आपको कितना लॉस होगा, फ्यूचर में भी लॉट साइज 1000 है और स्टॉक का प्राइस 200 रुपीज नीचे गिरा है, तो 1000 × 200 करता हूं तो फ्यूचर्स में भी आपको 2 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। लेकिन अब आप बड़े डिफरेंस को देखिए, कैश में जो आपको 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है वो 10 लाख रुपए पे है, मतलब आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो 10 लाख रुपए था, उस पे सिर्फ आपको 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है। वहीं फ्यूचर्स में आपको जो 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है ये 2 लाख रुपए पे हुआ है। आपने मार्जिन कितना पे किया था फ्यूचर बाई करने के लिए 2 लाख रुपए, और आपको लॉस कितना हो गया 2 लाख रुपए का, मतलब यू आर आउट ऑफ द मार्केट, आपकी जो टोटल कैपिटल थी वो 100% वाइप आउट हो चुकी है। कैश में देखिए आपने कितनी परसेंट कैपिटल लूज की, 20%, 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे, मतलब आपकी 80% कैपिटल अभी भी इंटैक्ट है, आपने सिर्फ 20% कैपिटल ही लूज की है एक 20% के डाउन मूव में। लेकिन फ्यूचर्स में आपने कितनी कैपिटल लूज की, 100%, क्यों, क्योंकि आपने जो मार्जिन पे किया था वो 2 लाख रुपीज था और एक 20% के डाउन मूव में आपको कितना लॉस हुआ 2 लाख रुपीज का, मतलब जितनी कैपिटल आपने लगाई थी वो 100% आपने लूज कर दी है। तो अब आप डिफरेंस को समझिए, एक 20% का डाउन मूव आया और 20% के डाउन मूव में आपने 100% कैपिटल लूज कर दी, तो ये कितना बड़ा रिस्क लेकर आप चल रहे हो। देखिए फ्यूचर्स है ये एक लिवरेज प्रोडक्ट है, मतलब आपके पास जितना पैसा नहीं है उससे ज्यादा वैल्यू को आप ट्रेड करते हो, तो जब आपको प्रॉफिट होता है तब तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो मैनिफोल्ड्स बढ़ जाता है। लेकिन जब आपको लॉस होता है तो आप ये समझिए थोड़ा सा डाउन मूव आते आपकी 100% कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। तो फ्यूचर्स को ट्रेड करना इज वेरी रिस्की, अगर मार्केट नीचे जाता है तो एक छोटा सा डाउन मूव आपकी पूरी कैपिटल को वाइप आउट कर देगा। तो वैसे तो ये एक रीजन काफी है ये समझने के लिए कि फ्यूचर्स कितना रिस्की होता है, लेकिन इसके अलावा इसमें और भी रिस्क होते हैं। दूसरा रिस्क क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए फ्यूचर्स में जब आपको प्रॉफिट होता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपका मार्जिन एक्सपेंशन होगा, जैसे जैसे आपको लॉस होगा वो लॉस आपको हर एक दिन भरना होता है, क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ मार्जिन पे किया है और जो M2M लॉस आपको होता है उतना आपके पास पैसा होना चाहिए उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए। मान लीजिए मार्केट नीचे गिरता है और आपके फ्यूचर्स में आपको लॉस आना शुरू हो गया और आपके पास पैसा नहीं है, तो आपकी पोजीशन को वहीं काट दिया जाएगा, आपके लॉस को बुक कर दिया जाएगा।
तो यहाँ पे जो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे मार्केट गिरेगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपको M2M लॉसेस हो रहे हैं उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, आपकी ब्रोकर से कॉल आएगा और अगर आप वो पैसा नहीं भरते हो तो आपको पेनल्टी भी लगेगी और आपकी पोजिशन भी काट दी जाएगी। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज ए मनी जिगलर। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है तभी आप फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिए, अगर आपके पास एक लिमिटेड कैपिटल है देन यू शुड नॉट ट्रेड फ्यूचर्स। और बिगनर्स को तो मैं स्ट्रॉन्गली बोलूंगा कि फ्यूचर्स से आप दूर रहिए। फ्यूचर्स में ट्रेडिंग एक बहुत ही रिस्की वेंचर है, तो अगर आप एक बिगनर हो, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।